हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डीसीएम श्रीराम से रिलेटेड। और जैसे कि हम हमेशा मोस्टली आज के दिन हम बात करने लगे हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड, कि ब्रेकआउट स्टॉक को किस तरीके से प्ले किया जाता है और किस तरीके से स्टॉक्स को चुना जाता है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। आज भी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के लेवल पे खड़े हुए हैं और वहां से एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको यहाँ पर देने की बिल्कुल काबिलियत रखते हैं। बट उसके लिए स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं हूँ। मैं स्टॉक्स को कोशिश करता हूँ कि नीचे के लेवल पर खरीदूँ और खरीद के जब एक चाहे यहाँ पर ब्रेकआउट हो या फिर हमारा टारगेट हो, दोनों में से कोई भी अचीवमेंट हो रही है तो हम वहाँ पर एग्जिट करना पसंद करते हैं। बट बहुत सारे लोग ब्रेकआउट प्ले करना स्टॉप पसंद करते हैं, तो ब्रेकआउट प्ले करिए, कोई इशू नहीं है, बट स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए। तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड जहां पर ब्रेकआउट होने वाला है। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी वीडियोज को जाके देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। तो लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम जानते हैं उन स्टॉक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में इसने इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया था, ओके, और उसके बाद यहाँ पर शेयर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर 1025 जो कि आज इसका हाईएस्ट लेवल था, 1025 और यहाँ पर अगर बात करें 1027 के आसपास का लेवल, 1025 से 1030 के बीच में अगर ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता है 1030 से, तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली इसमें होती हुई दिखाई दे सकती है जो इसे 1163 रुपए तक ले जाएगी। और 1163 का लेवल भी क्रॉस करती है तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली इस पर्टिकुलर शेयर में होती हुई दिखाई देगी और आपका पैसा अच्छा खासा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस शेयर की तरफ ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर कंसोलिडेशन बोर्ड पे है ये शेयर, अगर नीचे आता है कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो उस केस में स्विंग ट्रेड के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ऊपर जाने का ही है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमेशा जो आज का क्लोज यहाँ पर अगर हम बात करें, क्लोज लगाते हैं बट क्लोज नहीं, यहाँ पर लगाइए लगभग 1004 के आसपास का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और इससे नीचे आता है तो चुपचाप बेच के निकल जाइएगा, अदरवाइज चीजें नीचे आती है। तो कोशिश करिए चीजों को नीचे लेवल पर ले ताकि हम इससे पूरा ब्रेकआउट भी हो, चाहे यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो और फिर उसके बाद पैसे कमाए तो अच्छा खासा पैसा बने और बिना रिस्क के बने। इसके बाद दूसरे शेयर की बात करें एफएल इंडिया। एफएल इंडिया भी अगर हम मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें तो कब विल हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से प्ले होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर ये आज का अच्छा खासा लेवल इसने निकाला था जो कि इसका प्रीवियस अगर हम देखें कुछ दिन पहले यहाँ पर इसने एक साथ ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद गिरता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखें अगर ये इस लेवल को जो आज का हाई है इसका 1208 रुपए के आसपास का, अगर ये इसे निकालता है और इसे निकालने के बाद ये जो 1247 के आसपास का लेवल है इसे अगर ये निकाल देता है तो याद रखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर प्ले होगा जिसके टारगेट लगभग 1723 रुपए तक जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सीधे सीधे नहीं, धीरे धीरे टेढ़े जिगजैग मोशन में जाते हुए दिखाई देंगे जो कि सूनर और लेटर अचीव जरूर होंगे। तो इस चीज को याद रखिए ये पर्टिकुलर। और अगर यहाँ पर आने के बाद एक रेड कैंडल बनती है बड़ी वाली और नीचे और उससे अगले दिन वो रेड कैंडल के नीचे से जाना शुरू करता है तो याद रखिएगा बेचने का संकेत है, तो वहां पर आपको बेचना होगा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, एल्कालामाइंस। एल्कालामाइंस यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बेहतरीन तेजी, 3,000 से 3,700 रुपए तक ये शेयर यहाँ पर आ चुका है। और अगर ये कल की डेट में ये शेयर यहाँ पर निकलता है जो कि है, अगर मैं इसके हाई की बात करूं कि एक कौन सा लेवल, लगभग 3849 रुपए, ओके 3849 रुपए का लेवल ही अगर निकालता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली इस पर्टिकुलर शेयर में होगी जो पहले इसे 4200 रुपए तक ले 4100-4200 तक ले जाएगी, फिर 4300 और फिर इसके बाद इसके ऑल टाइम हाई तक ले जाएगी और अच्छा खासा इसमें आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से प्ले करना है, तो यहाँ पर हर स्टॉप लॉस का भी ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड जो कि इसका ही भाई है, यहाँ पर देख सकते हैं बालाजी अमाइंस। इसमें भी एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई दे रही है 9% का यहाँ पर आज के दिन में, इससे पहले भी अगर हम देखें तो भी 7% भागा था। तो सेम एज इट इज यहाँ पर अच्छा खासा चल ही रहा है ये शेयर
और अगर ये इस लेवल को निकालता है जो कि इसका 4000 के आसपास का लेवल है, ओके यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, जो 4048, 4048 को अगर ये निकालता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली इसे 5100 रुपये तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर शेयर जो कि मैंने आपको बार बार आपको बताया है, ओके कुछ दिन पहले ही, छः दिन पहले ही वीडियो बनाया था और ये शेयर इस लेवल पर चल रहा था, यहाँ पर देखिए अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। बट अगर ये शेयर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं 201 रुपए पे शेयर चल रहा है, 209 का लेवल अगर ये निकालता है तो 209 के बाद या अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो एक अच्छी खासी रैली इसमें होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये स्टॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपर सर्किट में चलने वाला एज वेल एज अच्छे खासे तरीके से भागने वाला स्टॉक्स है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग साउंड नजर आता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो इस स्टॉक्स की तरफ भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 570 जो कि इसने आज हाई बनाया था, इसे क्रॉस करता है, ओके इसके क्रॉस करने का ये 600 का लेवल, 600 के बाद ये आगे का लेवल भी यहाँ पर दिखा सकता है, बट यहाँ पर बीच में कंसोलिडेशन भी यहाँ पर आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से दीपक नाइट्रेट हो गया, दीपक नाइट्रेट को भी आप यहाँ पर अपने रेडार पे रख सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आज के दिन में ब्रेकआउट हुआ बट वो थोड़ा सा नीचे आ गया था। अगर ये 2557 रुपए जो कि इसका आज का हाई था वो निकालता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली 2903000 रुपए तक इसे लेते हुए जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा इक्लक्स की बात कर लेते हैं, 2000 रुपए से ही आपको रिकमेंड करता हुआ नजर आ रहा हूँ। बार बार यहाँ पर हमारे कमेंट में भी काफी लोगों ने पूछा सर बेचे खरीदे, तो मैंने उन्हें भी प्रॉपर रिप्लाई दिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज की डेट में भी अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई दिया और यहाँ पर ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दिया 2953 रुपए तक, लगभग ये 150 रुपए और यहाँ से ऊपर ये शेयर चल रहा था। और हमारे टारगेट क्या थे, हमारे टारगेट थे 3300-3400 रुपए तक के जो टारगेट आ रहे थे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक टारगेट कितने आ रहे थे 3300 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक अगर ये 2953 रुपए का ये जो इसका लेवल है अगर ये क्रॉस करता है तो याद रखिए अच्छा खासा भागेगा। और यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट होके गिरावट होती है बेचने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि शेयर नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके, क्योंकि अच्छे खासे RSI पे चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके चीजें ऊपर जाएगी और ऊपर जाके ये शायद 3300 का नहीं है 4000 तक का भी लेवल यहाँ पर क्रॉस कर सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये शेयर भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स हमें यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के दिन काफी टाइम बाद मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड, वरना हैप्पीएस्ट माइंड तो यहाँ पर जैसे भूल ही गए थे, 350 रुपए पे जो हमने खरीदा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है। बट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये लेवल जो इसने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था कितने का, 1355 रुपए का ये लेवल निकालता है, जो कि मुझे लगता है निकाल लेगा, तो एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई देगी जो इस शेयर को लगभग 1500 और 1600 के लेवल तक इसे ले आती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद देखते हैं कि ये शेयर कहाँ पर जाके रुकेगा और कहाँ पर जाके आपको बेहतरीन नंबर रिजल्ट देते हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और शेयर है इंडो एमआईस, बहुत टाइम पहले भी आपको रिकमेंड किया था, ये शेयर केवल भाग रहा है अच्छे तरीके से भाग रहा है। इसकी स्प्लिट की भी न्यूज है, ओके यहाँ पर 1:1 में शायद ये स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा, ओके वन तो यहाँ पर ये स्प्लिट होता है तो उसके बाद देखते हैं कि शेयर कहाँ भागता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाइंग इस लेवल पे मैं नहीं कहूंगा बट स्टिल यहाँ पर इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स हमें यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इसकी तरफ भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट ये सिचुएशन ऐसी है कोविड की कि ये इसके फेवर में है, तो ये शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, इसे नीचे लाके शायद ऊपर ले जा सकते हैं, दोनों तरफ के से आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और कल का लेवल अगर ये यहाँ से नीचे तोड़ता है, ये जो इसका लो था, इसका लो देख लेते एक बार, इसका लो था 423, तो 423 से अगर नीचे जाता है तो याद रखिए बेचने का संकेत होगा, तो अभी ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एंजल वन, जिसे एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं, ओके आज का लेवल था 1244 हाई बनाया था, अगर 1244 का लेवल ये यहाँ पर निकालता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली इसे 1400 फिर 1500 और 1600-1700 रुपए तक लेते हुए जा सकती है। तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए,
और इसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी आपको इसके अकॉर्डिंग, जो आज का यहाँ पर इसके नीचे लेवल पे था उसे ही आपको, जो इसका लो था उसी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एम्फेसिस। एम्फेसिस ने 3480 रुपये के आसपास का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी यहाँ पर पहले 3650 रुपये तक ये शेयर जाएगा और फिर 3650 क्रॉस करके यहाँ पर एक अच्छी रैली दोबारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर कुछ शेयर थे जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अच्छे खासे गेन आपको देते हुए नजर आएंगे। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट इन स्टॉक्स की तरफ नजर बनाइए। हाँ, एक स्टॉक्स और देख लेते हैं जिसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी की बात करें, भागा नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर भागा, कंसोलिडेट किया, इसी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। बट आज का जो इसका हाई है, ओके, तो यहाँ पर ये इस आज के हाई को यहाँ पर निकालता है जो कि 539 रुपए के आसपास का है, इसे निकालता है तो एक अच्छी खासी रैली होगी जो इसे पहले 580 रुपए के आसपास लेके जाएगी। फिर 580 के बाद यहाँ पर अगर ये 585 को निकालता है तो एक लंबी अच्छी खासी रैली 600-700 रुपए तक की इसकी देखी जा सकती है। तो उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, रैली को एंजॉय भी करना है, और जो नीचे जिसने ले रखा है वो यहाँ पर होल्ड करके रखे। जब यहाँ पर रिवर्स कैंडल यहाँ पर आनी शुरू हो, इस तरीके की यहाँ पर एक गिरावट वाली कैंडल दिखाई दे तो यहाँ पर तब बेचने की यहाँ पर सोच सकते हैं। तब तक एंजॉय करें, पैसे यहाँ पर कमाते रहे और चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करें, और सीख के पर अगर पैसे कोशिश करेंगे और नीचे के लेवल पे लेंगे तो इस तरीके की रैली ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होगी। केवल आपको ब्रेकआउट पे यहाँ पर जब नीचे गिरना शुरू होगा तब हम यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और इस पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।